लगता था आत्महत्या कर लूं, जीने से कोई मतलब नहीं है। आत्महत्या करने का मन करता था, शरीर में इतनी पीड़ाएं थीं कि अब जिंदगी जीने की तमन्ना खत्म हो गई थी। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, जिंदगी में और भी कई तकलीफें थीं जिनके कारण अब सब कुछ बुरा लगने लगा था। लेकिन फिर बागेश्वर धाम पहुंचे और यहां पर जिंदगी की दिशा बदल गई। ये कहानी है राघवेंद्र प्रताप शुक्ला की। जो सन्यासी बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो रहा है। राघवेंद्र मध्य प्रदेश के रीवा से आते हैं। छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पर भगवान बालाजी के दर्शन करने के बाद उनकी जिंदगी में एक परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को उन्होंने पेप्टिक टाइम के साथ साझा किया। राघवेंद्र ने बताया कि बागेश्वर धाम आने से पहले उनके शरीर में कंपन होता था, हाथ पैर में इतना दर्द होता था कि पूरी रात सो नहीं पाते थे, कई बार नींद की गोलियां खानी पड़ती थीं और आत्महत्या करने का मन करने लगा था। लेकिन फिर एक दिन बागेश्वर धाम आना हुआ और यहां से जिंदगी की दिशा बदल गई। राघवेंद्र प्रसाद शुक्ला, हम रीवा के हैं। हमारी समस्या पैर का ऑपरेशन हुआ था घुटने का, जब से हम चलने फिरने में बड़ी तकलीफ होती थी, दर्द बहुत होता था, सिर में भारीपन, शरीर पूरा भारीपन, बिल्कुल सुस्ती, कमजोरी, हाथ पैर में कंपन, सो नहीं पाते थे, नींद की भी गोली खाते थे। पिछले माह बाबा के दरबार में आए, बालाजी सरकार के अर्जी लगाए, इस महीने फिर आए हैं। पिछले महीने हम 10 तारीख को आए थे, आज फिर आए हैं और हमको राहत है। अभी महाराज जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, ना कोई पर्चा कट पाया। अर्जी मानते हुए मतलब हमको शरीर में थोड़ा सा हल्कापन महसूस हुआ, दर्द में कमी आई, मानसिक रूप से भी हमको थोड़ा आराम लगा, जो मानसिक रूप से बहुत बीमार थे हम। साइकेट्रिस्ट की भी दवा चलती थी। हम इसके पहले जबलपुर दिखाए, बनारस दिखाए, नागपुर दिखाए, भोपाल दिखाए, दिल्ली दिखाए, रीवा तो छोड़िए, रीवा में तो सभी डॉक्टरों को हमने दिखा चुका था। यहाँ पर हमको फर्क ये पड़ा कि हमको अब शरीर में आनंदपन महसूस होता है, जो कि निराशापन रहती थी, सुस्ती रहती थी, हाथ पैर में दर्द रहता था, बिल्कुल बोझ बोझ शरीर लगता था, लगता था आत्महत्या कर लूँ, जीने से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा नहीं लग रहा, बाबा की और सन्यासी बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो रहा है। नहीं सोते थे, नींदें नहीं आती थी बिना गोली खाए, उसमें भी नींद मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए, अब सो जाते हैं, वही दवा असर करने लगी। हाँ, धाम से आराम मिला है, बाबा की कृपा है। अभी एक बार तो आए ही हैं, दोबारा फिर आए हैं, अभी गुरुजी से मुलाकात हुई नहीं है। धाम बहुत ही बढ़िया है, कोई लूट घसोट नहीं है, कोई वो नहीं है, निःशुल्क है दरबार, श्रद्धा अपनी अपनी है। राघवेंद्र बताते हैं कि पिछले महीने 10 अक्टूबर को बागेश्वर धाम पर आए थे और यहाँ आरती के बाद उन्होंने भभूति ली। इस भभूति को अपने पैरों में लगाया, जिससे शरीर का दर्द कुछ हद तक कम होने लगा। धीरे धीरे मानसिक पीड़ाओं में भी आराम लगा। अब रात में बगैर नींद की गोली खाए चैन की नींद आ जाती है। आत्महत्या करने का मन बना चुके राघवेंद्र अब जिंदगी में उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जो बागेश्वर धाम पर सुनकर आप चमत्कृत हो जाएंगे। भगवान बालाजी के इस दरबार में देश भर से लोग आते हैं और जो भी यहाँ रोते हुए आता है वो हंसते हुए जाता है। राघवेंद्र की तरह यहाँ रोज इस तरह के कई किस्से सामने आ रहे हैं, जिसके कारण देश भर के लोग बागेश्वर धाम की तरफ दौड़े चले आते हैं।